नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कार्बन उत्सर्जन अपने 40 साल के निचले स्तर पर, कार्बन ब्रीफ नामक वेबसाइट ने किया शोध। IIS के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक, डेयरी उत्पादों में शीघ्रता से पता करेगी मेलामाइन की उपस्थिति। सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूवी किरणों के उपयोग पर विचार, टीबी के संक्रमण में होता रहा है यूवी किरणों का उपयोग। नेहरू विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम में जलवायु संकट पर चर्चा, 2050 तक ग्रीन हाउस गैस को शून्य करने का सुझाव। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मौजूदा समय में विश्व का हर देश कोरोना महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमण और मृत्यु के बढ़ते आंकड़े चिंता का सबब हैं। परेशान होने वाली बात यह है कि अभी तक इस महामारी का कोई भी चिकित्सकीय उपाय नहीं खोजा जा सका है। इस खतरनाक महामारी से बचने के लिए आज तकरीबन पूरी दुनिया बंद है। इस लिहाज से भारत में भी लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है और एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन का चौथा चरण भी लगाया जा सकता है। लॉकडाउन के जरिए भारतीयों को संक्रमित होने से बचाया गया, साथ ही साथ पर्यावरण को भी काफ़ी हद तक लाभ हुआ। हाल ही में कार्बनिक ब्रीफ नामक पर्यावरण वेबसाइट के विश्लेषण के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान बीते 40 वर्षों में पहली बार भारत के कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के उपयोग में कमी से जीवाश्म ईंधन की मांग कमज़ोर पड़ गई। रिपोर्ट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि मार्च में कार्बन उत्सर्जन में 15% की कमी दर्ज की गई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में मार्च में 15% और अप्रैल के प्रथम 3 सप्ताह में 31% तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में मार्च माह में 6.4% की वृद्धि दर्ज हुई, अप्रैल के प्रथम 3 सप्ताह में 1.4% की कमी आई। शोधकर्ताओं ने अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया कि तेल, गैस और कोयले की खपत मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3 मिलियन टन तक गिरावट दर्ज की गई। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि वित्तीय वर्ष में मार्च के अंत में कोयले की डिलीवरी में 2% की गिरावट आई। इस समयावधि में कोयले की बिक्री में 10% और आयात में 27.5% की गिरावट दर्ज की गई। मार्च 2020 में साल दरअसल तेल की खपत में 18% की कमी आई थी। इसी बीच नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति साल दर साल अधिक हो गई। दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS के शोधकर्ताओं ने नई तकनीक विकसित किया है। मेलामाइन एक कार्बनिक रसायन है जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर दूध और दूध के उत्पादों में किया जाता रहा है। इसके लगातार प्रयोग से गुर्दे संबंधी बीमारियों का खतरा बना रहता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वर्तमान तकनीक से मेलामाइन का पता लगाने में काफ़ी वक्त और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वहीं नई तकनीक कम समय, कम पैसे यानी सस्ते दर पर दूध और पानी में उपस्थित मेलामाइन का पता लगाने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि यह तकनीक पानी और दूध में मेलामाइन के 0.1 भाग प्रति मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन या PPM तक पता लगाने में सक्षम है, जिसमें मात्र 4 मिनट का वक्त लगता है। गौरतलब है कि मेलामाइन सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, जिसका प्रयोग दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्लास्टिक, गोंद, व्हाइट बोर्ड बनाने में किया जाता है। आपको बताते चलें कि भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IIS भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। बेंगलुरु स्थित इस संस्थान की गणना भारत के उत्कृष्टतम संस्थान में होती है। 2016 में यह संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 250 संस्थानों में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा है।
लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचने के लिए सभी देश सामाजिक दूरी और मास्क जैसे उपायों को अनिवार्य कर रहे हैं, वहीं अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है जिससे संक्रमण को रोका जा सके। इन्हीं उपायों में से एक उपाय अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग भी है। वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन से सार्वजनिक स्थलों को विसंक्रमित यानी डिसइन्फेक्ट करने की तकनीक पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले इस विधि का उपयोग टीबी जैसी बीमारियों के संक्रमण को रोकने में किया जाता रहा है। दरअसल यूवी किरणें सूर्य से आती हैं। वैज्ञानिक इसकी मारक क्षमता का इस्तेमाल कर हवा, पानी और अन्य जगहों जहां संक्रमण का खतरा हो उन स्थानों को डिसइन्फेक्ट करना चाहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह तकनीक बहुत कारगर है, लेकिन इसमें सतर्कता बरतने के सुझाव भी दिए गए हैं। इसमें मौसम, वहाँ पर नमी, डोज यानी कितनी मात्रा में उपयोग की ज़रूरत है, हवा का प्रवाह पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। आपको बताते चलें कि यूवी विकिरण विद्युत चुंबकीय किरणों का ही एक रूप है। इनका तरंग दैर्घ्य 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश का 10% हिस्सा यूवी तरंगों का होता है, जबकि 90% यूवी तरंगों को ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है। यूवी तरंगों का मनुष्य पर दुष्प्रभाव भी है। यह त्वचा और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे त्वचा कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर नेहरू विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जलवायु संकट के संदर्भ में ऊर्जा की जरूरतों से निपटने के लिए चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मानव विकास सूचकांक और विश्वभर में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के बीच संबंधों पर अध्ययन करने पर पाया गया कि उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी उच्च है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 में तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तकरीबन 45% की कटौती करनी होगी, जबकि वर्ष 2050 तक यह शून्य करना होगा। यानी आने वाले 10 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कटौती करने की आवश्यकता है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कोरोना संकट के बीच पिछले 2 महीनों में किसानों को मदद देने के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने इस स्कीम से मछुआरों और पशुपालकों को भी जोड़ने का ऐलान किया। किसानों को यह लोन 4% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, जिसके जरिए किसानों को ज़रूरत के अनुसार खेती के लिए लोन प्रदान किया जाता था। हाल ही में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया। आपको बता दें कि सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग कर फसल के मौसम और शादी समारोहों के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। वर्तमान में इसे दीवारों के साथ अन्य सतहों पर भी चिन्हित किया जाता है, जबकि तेलंगाना की तेलिया रुमाल सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तेलंगाना राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगा। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने नमूना पंजीकरण प्रणाली के नाम से एक बुलेटिन जारी किया, जो साल 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। आपको बता दें कि SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा साल 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को प्रकाशित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
साल 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर यानी नेशनल बर्थ रेट 20 थी, जबकि 1971 में यह आंकड़ा 36.9 था। आपको बता दें कि जन्म दर को प्रतिवर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या के रूप में देखा जाता है। सर्वाधिक जन्म दर बिहार में और न्यूनतम जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब बात करें मृत्यु दर की, तो 2018 में यह 6.2 थी, जबकि 1971 में 14.9। गौरतलब है कि मृत्यु दर को प्रतिवर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या को दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक और दिल्ली में सबसे कम है। विगत एक दशक में मृत्यु दर 7.3 से घटकर 6.2 रह गई है। इस बुलेटिन के अनुसार 2018 में शिशु मृत्यु दर 32 और 1971 में 129 थी। प्रति हजार जन्म पर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इस संदर्भ में खराब स्थिति मध्य प्रदेश की है, जबकि नागालैंड अच्छी स्थिति में है। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के मकसद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप नाम के एक पोर्टल का लोकार्पण किया। इससे उत्तराखंडी के साथ प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी जुड़ सकेंगे। इस पोर्टल के डेटाबेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग और अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए किया जा सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।